ये सौरभ जोशी का गांव है और आज हम यहाँ भी आ गए भाई। देखो कितनी दूर पे है ये। युद्ध स्मारक बैजनाथ झील, तो यहाँ पे है बैजनाथ मंदिर। देखो भाई, ओ भाई कितने मस्त मस्त चित्र बनाए भोलेनाथ भी है ऊपर पे। जय हो भोलेनाथ गोसानी। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पलाग, अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बीरू बिरथवाल उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है काफ़ी मॉर्निंग से, और लगभग अभी हो रखा है 6:30 और सुबह सुबह 6:30 बजे का नज़ारा मैं अगर आपको दिखाऊँ ना भाई, तो इतना खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखो ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो यार जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि कल मेरा सफ़र होने वाला है काफ़ी दूर, तो ब्लॉग के साथ बने रहें और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल, और पता चलते रहेगा आपको क्यों आपको कि मैं जाने वाला कहाँ हूँ। और आज हमारे घर सुबह सुबह कौन आ रखा है, ये नैतिक मामू, और ये चला रहा है ट्रैक्टर। क्या चला रहा है मामू? ट्रैक्टर। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? घर जा रहा है तू? जा फिर जा भाई। ये टीट टीट। तो यार दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और हमारा इंतजार कर रहा है नैतिक मामू नीचे पे, दीदी और नैतिक। नैतिक टाटा बाय। अरे बस मिल गई तेरे को? हाँ ठीक है, अभी इसी में जाएंगे। तो पिताजी आगे आगे जा रहे हैं और पिच्छू पिच्छू में, तो चलते हैं, मिलते हैं गांव में, आएंगे फिर 4-5 दिन बाद। तो अभी हम चलते हैं काफी दूर, तो जुड़े रहें और देखें कि कहाँ जा रहे हैं। हिटो भाई हिटो, जान कारू से ले जाए सिया मुनी। हाँ यार, तो यार दोस्तों हम सड़क पर आ चुके हैं और ये देखो भाई सनराइजिंग हो रही है यहाँ पर से। ओ भाई आई आई धूप की किरण आई, निकल 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 निकल, यो आ गई। तो फाइनली सनराइजिंग हो चुकी है और गाड़ी भी आ गई है ये। चलो बाबू लौट जाओ, फरका 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 बहुत सही। चलो चलो लौट जाओ। जय मालिक। चलो खाया। अच्छा जब वो, अच्छा वो, तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, तो हम चलने लगे हैं। यो जय हो भगवान। भाई अभी हम हैं सामा पे, और सामा पे मस्त अगर खाना वगैरह खाते हैं, आलू के पराठे लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अंदर बन रहा है खाना, ठीक है, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मस्त करके जाते हैं। और आज हमने ये डिसाइड किया कि हम गरुड़ कौसानी रानीखेत होते हुए खैरना निकलने की, इस बार अल्मोड़ा के रास्ते नहीं जा रहे, नहीं कहाँ के रास्ते, थल के रास्ते नहीं जा रहे, बेरी नाग के रास्ते। आज नया रूट है, नई जगह नई रास्ते से घूमते हुए जा रहे हैं। नया सफर दिखाएंगे, हाँ आज दिखाएंगे नया सफर। थैंक यू। हेलो, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो, फिर क्यों घूम रहे हो बाहर? तो यार भाई नाश्ता पानी हो चुका है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, द्वार उड़ा लाओ। चलो दाजू, सफर कंटिन्यू करते हैं। बैजनाथ झील, तो यहाँ पे है बैजनाथ मंदिर। देखो भाई,
और अभी हम पहुंचे हैं ये गरुड़। तो भाई ये है गरुड़ मार्केट, देख तो रहा हूँ यार भाई। तो भैया अभी हम पहुंचे हैं कत्यूर घाटी में, जहाँ कत्यूरी वंश के राजा रहते थे ना, जो जम्मू कश्मीर से आए हुए थे राजा कत्यूर वंश के, तो ये इसी घाटी में रहते थे। और यहाँ जितने भी मंदिर यहाँ बने ना कत्यूर शैली में बने हुए, जैसे बागनाथ हो गया, बैजनाथ हो गया, सब कत्यूर शैली में बने हुए मंदिर है। तो यार भाई लटकते भटकते हम पहुंच चुके हैं कौसानी, और अब थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे। कितना किलोमीटर बचा है भाभी? ये क्या बदतमीजी थी यार, मुझे मत दिखाओ था बल। कितना किलोमीटर का? मुझे मत दिखाओ था बल। हद, तो लगभग एक किलोमीटर का ना? अच्छा ठीक हो गया, एक किलोमीटर पहुँचने बचा है। और ये देखो सामने इतनी गाड़ियाँ जा रही है, टूरिस्ट काफ़ी जा रहे हैं। और इतना मस्त ये लोकेशन है ना, यहाँ से देखो भाई ये काफी खूबसूरती से भरा कौसानी शहर। ये काफल ही काफल लगे रे, ओ भाई काफल, काफल के पेड़ नहीं है हमारे गांव में आजकल। पिताजी काफल देख के काफी खुश हो गए, काफल ही काफल लगे हैं बोल भाई। ये बोलो देखो बाबू, काफल लगा रहा हूँ, काफल तोड़ के जाओ। अच्छा ये तो यार भाई भाभी बोल रही हमारे गाँव में स्वागत है। क्यों ये ओ भाई कहाँ है कौसानी? अच्छा यही कौसानी, तो हम पहुंच चुके हैं, ये है कौसानी भाई, वेलकम टू कौसानी। ये रोड कहाँ जाती है? हल्द्वानी, ये रोड जाएगी हल्द्वानी। कहाँ जाती है? कश्मीर। कश्मीर <काश्मीर। laughs> पे पहुंच गए हैं, कौन भाभी का गांव है, और भाभी और सुंदर दाजी भेंटघाट करने के लिए जा रहे हैं, तो मिल के आ गए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यार दोस्तों भेंटघाट करके आ गए हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। कहां कहां जा पाते हैं आपको दिखाते रहेंगे। तो यार दोस्तों जहां हम पहुंचे हैं ना, ये कौन सा गाँव है? ये है टोटा सिलिंग गाँव, और कहीं यही सौरभ जोशी का घर दिख रहा है ऊपर पे, देखो ये सौरभ जोशी का गांव है। और आज हम यहाँ भी आ गए भाई, देखो कितनी दूर पे है ये, और इतनी खूबसूरत घाटी है ना, मजा आ गया यहाँ के, अद्भुत। यो तो बाद में एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
तेल छोड़ना स्मारक। वाह क्या क्या मस्त वीडियो बन गई यार, आज मज़ा आ गया। हाँ सब शहीद होंगे इसमें। बन रही है नीचे से ही बनते हुए आ रही है, चलते भाई। चले अंग्रेजों की छावनी थी ना ये हो गया लैंसडाउन हो गया। तो यार भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी पे, और हल्द्वानी पहुंचते ही सबसे पहले डिमांड दे दिया है सुंदरदा ने गन्ने की जूस का। ना यार मस्त गन्ने की जूस बनेगा और लजीज तरीके से पिया जाएगा, ठीक है। तो गन्ने का जूस बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और नेचुरली भी रहता है, इसलिए हम सबसे पहले गन्ने का जूस पी रहे हैं। और गर्म भी हो रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है ये। तो फाइनली आ चुका है ये चेस यो आहा सुकून है सुकून। हाँ वही तो। हाँ यार खाना भी नहीं खिलाया आज, एक गन्ने का जूस भी लाएंगे करके गजब बेइज्जती है। आज चश्म लाया बती पीनो यार, एक ही लाया पहले अभी दो तीन गिलास होगा वही तो गन्ने के जूस सामान से यहाँ पहुँचा रखा है भाई गजब। ये यहाँ आना ये भुखमरी है भुखमरी। तो यार दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और मम्मी से भेंट घाट हो गई है,
और मम्मी खरीदने लग गई लीची, और मम्मी का पाँव का जो ऑपरेशन हुआ था ना अभी ठीक है, सूजन वगैरह सब कम है, अभी नॉर्मल में आ गया। देखो ये भाई ये तो अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, कल पापा का चेकअप वगैरह कराने हैं, तो कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज का सफ़र नया रूट रानीखेत वाला अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से टूब चैनल।